दोस्तों आज आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ काफी अच्छा। उससे पहले आप लोग के लिए हैप्पी दिवाली हमारे तरफ से। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं कंपनी में आ गया हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। तो अच्छा ही होना चाहिए। तो हमेशा खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ फराना 15 टन TRX एस्कॉर्ट का, जो 4X4 होता है। आप लोग को मैं वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ सिर्फ मैकेनिकल बूम जो है, फ्लाई जिप तो वो ऊपर रहा काउंटर बेड पे अपना, जो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, ये पीछे की तरफ है 2 मीटर जो भी है। तो मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर इसका नहीं पता है, फराना ये जो है अपना TRX 15 टन, इसका अगर दोस्तों आप लोग को लोड चार्ट देखने नहीं आ रहा है या पता नहीं, या सेव लोड इंडिकेटर देखने नहीं आ रहा है, तो आप लोग बोलिए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो है, लेकिन इसका अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग कॉमेंट करके बताइए, तो फिर मैं इसका लोड चार्ट आपको अलग से डालेंगे। आज मैं आप लोग को डालने वाला हूँ मैकेनिकल बूम जो है निकालते हैं वो। देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे भी लिखा रहता है, इसी के बारे में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग जो अभी तो इसका यहाँ केबिन इस पर आ रहा है, गेट के ऊपर, दरवाज़ा के ऊपर अपना इस पर आ रहा है, बाकी किसी का केबिन के अंदर आता है। और क्या क्या अंदर वायरिंग है और क्या उसमें लिखा हुआ है वो भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ, और फोटो भी आप लोग को डाल दूंगा। मेरे इस तरफ देखिएगा, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, यहाँ पे जो चल रहा है ये फोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा रहता है पिन से लेके वायर रूप तक हर चीज़ लिखा रहता है, और उसका भी मैं आप लोग को फोटो यहाँ पे चल रहा है वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, वहाँ पे लिखा रहता है और उस तरीके से कैसे आप लोग पढ़ के भी निकाल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो, नहीं पढ़े लिखे हैं आप लोग को पता नहीं है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैन्युअली जिस दिन मैं बूम निकालूंगा उस दिन आप लोग को अपलोड करूंगा इसका मैकेनिकल बूम कैसे निकालते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ छोटे से इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, आप लोग को इस चीज़ के बारे में दिखाता हूँ। चलिए बैक कैमरा चालू करता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा हमारा, ये देखिए मैनुअल एक्सलेटर चौथा खंड संचालन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। और यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आज मेरा इसी टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, मैनुअल एक्स चौथा खंड संचालन बूम, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, पढ़ सकते हैं आप लोग। तो इस चीज़ को किस तरीके से निकालना है और यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है और उसको कैसे समझना है, इसी पे मेरा आज का वीडियो आने वाला है, और आप लोग बने रहिए वीडियो तक, लास्ट में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया गया ये, यहाँ पे दिया गया है बी, यहाँ पे दिया गया है सी, यहाँ पे दिया गया है डी, देख सकते हैं दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बी सी और ये रहा हमारा डी, और यहाँ पे दिखा गया है हुक लॉक, हुक ब्लॉक, देखिए आप लोग हिंदी में यहाँ पे लिखा है। तो इसी चीज़ का देखिए, ये बी सी और डी चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं 1 2 3 4, ये पांचवा है हुक प्लग का, और ये आपको फर्स्ट दिख रहा है बूम लॉक पिन को हटा दें, ठीक है, बूम लॉक पिन को हटा दें। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे ला दूँ। तो चलिए, नए हैं अगर हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ यहाँ पे वार्निंग जो है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ, और वो भी आप लोग समझिएगा। तो फर्स्ट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है बूम लॉक पिन को स्टील डी से निकाल दे, यानी कि यहाँ डी है, और देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ये देखिए ये वाला होल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक होल है, यहाँ से इसको पिन को निकालना होता है,
और ये जो है लास्ट में आप जब मैकेनिकल बूम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे डालने के लिए ये दे रहा है। तो दोस्तों उससे ये देखिए पिन को पहले फ्री करना है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल सीलिंग के छोर को बी से निकालने और एक्सटेंशन थ्री पर माउंटिंग छोटी पुली के ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी पुली एवं एस लेते हुए पोजीशन सी पर फिक्स करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा छोटा पुली, ये देखिए आप लोग को दिखाता हूँ जूम करके, ये छोटा पुली है। आपको यहाँ से ये देखिए बी पर से यहाँ से पिन को ये निकाल के ये अपना वायर जो दिखाई दे रहा है सीलिंग, ऐसा ही सेम होगा आपका गाड़ी के अंदर भी। तो यहाँ से निकाल करके आपको पता है यहाँ ये छोटे पुली के ऊपर से ले जाते हुए सी यानी यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पिन है, इसको निकाल करके इसके अंदर ये वाला जो आपका वायर रोप है इसको यहाँ पे डाल देना है। लेकिन दोस्तों ये छोटे पुली के ऊपर से ले जाना है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ऑलरेडी के बीच हुक ब्लॉक और उसके बीच में सही गैप देते हुए देखिए धीरे धीरे बढ़ाए जब तक बूम लॉकिंग होने संरक्षित न हो जाए, यानी कि आपका जब तक होल जो है पिन डालने के लिए मैच ना कर जाए तब तक दोस्तों आप लोग को वहाँ पे ले जाना है बूम को निकालते हुए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लाई जीप आपका जब बाहर चला जाएगा तो फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो दिखाया था मैंने पहले, ये जो आपका यहाँ पे लॉक किया रहेगा उसको यहाँ से निकाल लेना है दोस्तों, और निकालने के बाद आपको फिर यहीं पे वापस फिक्स कर देना है बी के ऊपर, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो देख सकते हैं अब ये आपका हो गया निकालने का विधि, और पूरा आपका निकल गया। अब काम ख़त्म करने के बाद आप लोग को दोस्तों करना क्या है, इस वायर को अब वापस ज़रूरी नहीं है यूज करने का बूम अंदर लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो देखिए पिन जो है इस पिन को निकाल लेना है आपको, पिन कहीं भी नहीं डालना है, पिन निकाल लेना है, ये तो आपका पहले ही जब काम करने से पहले ही अपना वो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिन है इसको आप वापस उसी में ऐसे ही खाली करके डाल दीजिए, और वायर वाला यहाँ पे भी लॉक पिन आता है इसको भी जैसा था वैसा फिक्स कर दीजिए। काम आपका जब ख़त्म हो जाता है तो बूम अंदर लेने की बारी आती है, तो ये पिन को आपको बाहर निकालना है और वापस से ये जो देख रहे हैं हुक ब्लॉक को यहाँ पे आप एस एल आई को बंद करना है, सेव लोड इंडिकेटर स्विच को बंद करना है, तो ये आपका टच होगा नहीं तो नहीं टच होगा, आवाज़ मारने लगेगा टीटी के, तो इसको टच करना है। लेकिन सावधानी रखना है भाई, पिन नहीं इसमें होना चाहिए, पिन को निकाल के बाहर रख लेना है, आप हाथ में रखिए पिन, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर जैसे आप इसको टच करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है बूम लॉक पिन को डी से सीधी में डाल दें, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं डी वाला जो है यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ डी जो लिखा हुआ है, तो फिर से आपको क्या करना है इस चीज़ को आप लोग विंच को जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए देख सकते हैं, धीरे धीरे आप विंच को टाइट कीजिए, हुक ब्लॉक को टाइट कीजिए, यहाँ पे टच कीजिएगा, जैसे टच कीजिएगा जैसे जैसे आपका वैसे ऐसे बूम पे ये जो है मैकेनिकल बूम जो है आपका अंदर जाने लगेगा, ठीक है दोस्तों, आपका अंदर चला जाएगा, होल से मैच हो जाएगा इसको टच करते हुए। तो उससे पहले से सेव लोड इंडिकेटर आप चालू रखे हैं तो नहीं होगा टच, तो सेव लोड इंडिकेटर को बंद कर दीजिए, फिर ये टच होगा, फिर आपका ये बूम अंदर जाएगा, जैसे अंदर जाएगा ये आपका डी वाला जो है फिर से पिन को वापस डाल देना है, हो गया दोस्तों। इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिए, आप अपना कम बूम पे काम कर सकते हैं बेसिक बूम पे, और आप फिर सेव लोड इंडिकेटर को चालू कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए कुछ समय थोड़ा आप लोग कर लेता हूँ, और वार्निंग के बारे में दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे वार्निंग दिया गया है, एक यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। तो मैं इसका फ़ोटो लगाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इसके बारे में बताऊँगा नहीं। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, देखिए बूम से लेके हर चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए फ्रंट का सबका सब लिखा हुआ है, चेकिंग का सब, मतलब पूरा इसमें ब्यौरा दिया गया है। तो दोस्तों चलिए मैं कुछ वार्निंग आपको दिखा देता हूँ। आप लोग को इस वार्निंग के बारे में पता ना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं वार्निंग, देख सकते हैं यहाँ पे भी वार्निंग दिया गया है। तो ये अंग्रेजी में है, अगर हिंदी में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको हिंदी में करके आपको बताऊंगा। और दोस्तों आप लोग को तो मीटर के बारे में पता ही है, तो पुराना वाला ही मीटर है। अगर इसके बारे में पता नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और फ्यूज बॉक्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आप लोग को चाहिए तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो चीज़ दिए हैं, ये कोई भाई ऑपरेटर चलाया है फरानी के अंदर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो अभी तक नहीं यूज किया हूँ, करूँगा तो आप लोग को बताऊँगा। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ का वार्निंग आप लोग को बता दूँ, ये देखिए इसको यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि आप लोग इंटरव्यू में भी आ सकता है। देखिए हाई वोल्टेज केबल का दिया गया है, तो यहाँ पे जब भी क्रॉस करते हैं आप लोग तो सावधानी से क्रॉस कीजिए। और इसी के लिए दोस्तों ऊपर दिया गया है, क्योंकि बूम आपका हमेशा ऊपर आता है, तो इसलिए स्टिकर भी ऊपर दिया गया है कि आप यहाँ नहीं देख सकते तो फिर वहाँ नहीं देख सकते हैं, समझे दोस्तों। तो चलिए और कुछ वार्निंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वार्निंग दिया गया है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी, चाहे लेबर लोग पढ़े लिखे नहीं उसके लिए फिर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए आप इसके ये दोनों गैप के बीच में कोई बंदा खड़ा रहता है, टर्न मारता है तो चप जाएगा, ये दोनों गैप जो दिख रहा है आप लोग को। और दूसरी चीज़, और टर्न मारते हैं तो ये जो आपका फाउंडेशन है चढ़ने के लिए दिया गया है, यहाँ और केबिन के बीच में अगर कोई बंदा खड़ा रहता है तो यहाँ से देखिए ये टंकी से दब सकता है। और ये हाइड्रोलिक फ्यूल है, तो इसको गर्म रहता है तो कभी ना खोले। ये देखिए यहाँ पे निशान किया गया है बूंद का, यानी कि फवारा मार सकता है। तो दोस्तों सभी गाड़ी का किधर डीजल टैंक होता है आप लोग को पता ही होगा, तो चलिए उधर का भी आप लोग को वार्निंग दिखा देते हैं अपने लेफ्ट साइड का। तो पहले दोस्तों ये देखिए यहाँ पे वार्निंग क्या लिखा गया है आप लोग को पता ही होगा, जो ऑपरेटर भाई उनको पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूँ। यहाँ पे वार्निंग लिखा गया है, स्पीड बढ़ाने के लिए क्लच को दबा नहीं जाता है, ठीक है, एक्सीलेटर को दबा जाता है, इसका वार्निंग है। अब क्लच को ना दबाएं, क्लच से स्पीड नहीं बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड का दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड में आपका एल्युमिनियम का एक प्लेट लगा रहता है ऐसा वाला, ये देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब लिखा रहता है यहाँ पे, और कौन सी कंपनी का है वो भी लिखा रहता है। तो ये स्कॉट का है यहाँ पर लिखा हुआ, और एक किंग पोस्ट पर एक पंच भी रहता है। ये देखिए कैमरा में नहीं आ रहा होगा लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आएगा। सेम यहाँ पे वही दिया गया है, इसके बीच में ऐसे कोई बंदा आके खड़ा रहता है तो टर्न नहीं मारना है, उसको साइड करना है, भगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेम उसी का है, इससे और ये टंकी से और इससे दब सकते हैं फुल टर्न मारने के बाद। और ये डीजल का निशान दिया गया है, और डीजल का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, जबकि हालाँकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं देना चाहिए, यहाँ पर कितना आता है लीटर वो लिख के देना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग को पता चल गया, तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग फिर नए वीडियो क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा गाड़ी अभी दो दिन ही काम किया हूँ, आया हूँ तब से, ये देखिए दोनों गाड़ी अभी खड़ा ही हैं, और यहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी इस गाड़ी पर चालू है, तो जो भाई आना चाहते हैं वो कमेंट करें। और दोस्तों और आप लोग को बता दूं, ये कवर गाड़ी है वहाँ, देखिए उधर हरा गाड़ी जो है वो भी खाली है, पेटी पैक अभी तक कोई ऑपरेटर नहीं मिला, जैसे के वैसे खड़ा ही है। तो जो ऑपरेटर भाई आना चाहते हैं कमेंट में अपना नंबर डालिए, मैं आपका नंबर वो भाई को दे दूँगा, वह भाई आपको कॉल करेगा। हरा वाला, ये लाल वाला पे ऑपरेटर है, वो हरा वाला पे ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। और आपको खुद से पेमेंट और सैलरी, रहना खाना पीना सब बात करके आना है, सारा सुविधा आपको मिलेगा, आप मांगिएगा तो, नहीं मांगिएगा तो कुछ भी नहीं दे, कोई भी देने वाला है। और यहाँ पे काम चलेगा दोस्तों, देख सकते हैं पवन चक्की और सोलर प्लांट का। तो देखिए ये हवा से करंट बनाता है, और आज हवा काफ़ी स्लो है इसलिए स्लो पंखा घूम रहा है,
ये देख सकते हैं, और ज़्यादा करके यहाँ लोडिंग अनलोडिंग आता है। और ये रहा फ्लाई जीप, और इसके बारे में फिट करते हुए वीडियो आप लोग को देखना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से, और फिर नया वीडियो मैं लेके आऊँगा।